डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, लेकिन पाली के अंदर कांग्रेस से विधायक बने हैं भीमराज जी भाटी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि पाली विधानसभा को लेकर जो 100 दिन के विकास कार्यों को लेकर जो एजेंडा है, जिनके समक्ष वो जनता के बीच में मौजूद हुए थे, उनको लेकर उनकी क्या राय है। पहले सर, आपका एनडीटीवी में हार्दिक स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे कि पाली विधानसभा में जो समस्या है, जो आप 100 दिन के अंदर पूरा करवाना है कि पूर्ण प्रयास करेंगे, वो कौन से कार्य? सबसे पहला और सबसे प्राथमिकता मैं जो दूंगा वो 100 दिन में पीने के पानी का यहाँ समस्या है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ रेल से पानी आता है, सिर्फ पाली में रेल से पानी आता है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि 100 दिन के अंदर मैं पाली शहर में भी पीने के पानी की उपलब्ध करा सकूँ और जो ग्रामीण एरिया है रोहित पंचायत समिति उसमें भी पीने के पानी को उपलब्ध करा सकूँ। उस इन 100 दिन में पीने के पानी के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा, हालांकि रोहित से जो पाली की पाइपलाइन बीच में चालू हो गई है, पाइप आ चुके हैं ऑलरेडी और दर्पण कर से आगे तक वो पाइप बिछ भी चुकी है, तो मैं 100 दिन में सबसे पहला काम पीने के पानी को करूँगा। सर, अगर देखा जाए तो पाली की एक सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है प्रदूषण। हर बार प्रदूषण को लेकर एक बड़ा मुद्दा छाया रहा है पाली में, उसको लेकर सर आप क्या करते हैं? प्रदूषण की समस्या पिछले 40 साल से, जब से ये पाली में फैक्ट्रियाँ लगी है तब से ये प्रदूषण की समस्या। मैं पहला आदमी था जब 93 में मैं एमएलए बना था, तो मैंने CETP का प्लांट सैंक्शन कराया, CETP का प्लांट लगवाया और CETP के प्लांट का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह ने करवाया। प्रदूषण की समस्या को ये जो उद्योगपति है वो भी ये चाहते हैं कि हमसे दो पैसा लेते रहो और हमारे को देश चलता है। ये जो माननीय विधायक है रहे पिछले 25 साल में, इन्होंने सिर्फ चंदा मामा का काम किया, फैक्ट्री वालों से पैसा लेना और उनको किसी तरह की कोई राहत नहीं दिलाना, किसी तरह का कोई सॉल्यूशन परमानेंट नहीं निकालना। मेरी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी कि मैं प्रदूषण की समस्या का स्थायी निदान करूं ताकि फैक्ट्रियाँ भी बराबर चल सके और किसानों की जो जमीन बर्बाद हुई है वो तो बर्बाद हो गई, उसका तो कुछ नहीं किया जाए, उसका मुआवजे की व्यवस्था मैं राजस्थान सरकार से, भारत सरकार से और कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भी मिलके उस मुआवजे की मैं व्यवस्था करूंगा। लेकिन अब फैक्ट्रियाँ चले लेकिन किसानों की जमीन खराब नहीं होने दूंगा, ये मेरी सोच रहेगी और ये मेरा प्रयास रहेगा। इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा वो सब करूंगा। सर, एक विधानसभा में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है सड़कों पर, उसको लेकर आप क्या बता सकते? सड़कें तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो गड्ढे ही गड्ढे, लोग रोज दुखी है, परेशान है, बहुत परेशान है, कुछ भी होता नहीं है। यहाँ सीवरेज की बहुत भारी समस्या है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सीवरेज की वजह से जो गटर का पानी है, गंदा पानी है, वो मोहल्ले में फैल रहा है, उसकी भी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। सीवरेज के काम में करोड़ों रुपए का काम हुआ और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ उस सीवरेज के काम में, उसके ऊपर भी मैं लगाम लगाऊंगा और सीवरेज का सिस्टम सुधारने के पूरे प्रयास करूंगा। और सीवरेज की जो पाइपलाइन छोटे साइज की बीच रखी है, वो छोटे साइज की पाइपलाइन को मैं बड़ी साइज में कन्वर्ट करा के इस सीवरेज की समस्या का निदान करूंगा। तो ये थे हमारे साथ पाली से कांग्रेस के विधायक भीमराज जी भाटी, जिन्होंने 100 दिन का अपना एजेंडा बताया है। 100 दिन के बाद हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो इन्होंने बताया है उस कार्य पर ये कितना खरा उतर पाए हैं। पाली से जयेश दवे, NDTV।